नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आइए नजर डालते हैं फटाफट 20 खबरों पर। सिसोदिया की जमानत पर फैसला 10 मार्च तक टला। भैरव सिंह को याद कर भावुक हुई वसुंधरा, सालासार में शक्ति प्रदर्शन। देश में एक घंटे की नेटबंदी, 442 करोड़ का घाटा। राजस्थान में बारिश, ओले से गिरा तापमान, अलर्ट जारी। स्कूटी सवारों को 30 फीट तक घसीटते ले गई पिकअप। लॉरेंस गैंग ने पीछे पाकिस्तान, आईसीआई ने भेजे हथियार, गैंगस्टर के जरिए उत्तर प्रदेश में फैलाया नेटवर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति को कैंसर था, सर्जरी हुई, बाइडेन के चेस्ट से स्किन कैंसर के टिश्यू निकाले गए। नेशनल हाईवे पर बॉडी बिल्डर ने किया स्टंट, गिरफ्तार। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में घुसे दो फैन, पुजारा के साथ सेल्फी ली। कैलिफोर्निया में बर्फीला तूफान, 13 शहरों में इमरजेंसी। पाकिस्तान विदेश मंत्री बोले, हम कंगाल नहीं हैं, ना होंगे। कोरोना को लेकर चीन पर यूएस के आरोप। बेल्जियम ने 5 बच्चों को मारने वाली मां को इच्छा मृत्यु। दिल्ली की सड़कों पर ऑटो में घूमे अमेरिकी विदेश मंत्री। सेना ने चीन सीमा पर गश्त बढ़ाई, गलवान में घोड़ों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे जवान। रूस से आ रहा सस्ता तेल, फिर भी देश में नहीं घटी पेट्रोल डीजल की कीमतें। बिल गेट्स ने पीएम मोदी से मुलाकात की, कहा हेल्थ और डेवलपमेंट सेक्टर में भारत की ग्रोथ को लेकर पहले से ज्यादा पॉजिटिव। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मैच आज। लाइव शो में बेनी दयाल के सिर से टकराया ड्रोन। रॉकी और रानी फिल्म के सेट से लीक हुआ वीडियो। फटाफट खबरों में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात।